बहुत बहुत स्वागत है मोहित आपका एजेंडा आज तक के इस मंच पर thank you, thank you. और देखिए अब निराशा किसी लड़की के हाथ ना लगे तो थोड़ी सेल्फीज भी बाद में प्लीज़ हाँ जी डेफिनेटली पर्सनल रिक्वेस्ट चलिए तो मोहित की एक सीरीज है और सीरीज नहीं कहेंगे उन्होंने कहा कि वो एक दरअसल पार्ट्स हैं उसके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर फ्री कितने लोगों ने देखी है है कुछ लोग यहाँ पर तो अब इसका ट्रेलर इसका टीजर सब कुछ आ चुका है मोवस्ट तो और हर शख्स ये जानना चाहता है कि क्या ये आपके जो पहला पार्ट है उसी का कंटिन्यूएशन है ये या ये कहानी आगे नए किरदार और नई कहानी पर मूव कर जाती है जी थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी हियर ये कहानी द फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है इसका पार्ट वन जो फर्स्ट पहले चार एपिसोड है वो आ चुके हैं वो आज से तीन महीने पहले आए थे और अभी तीन एपिसोड उसके बाकी हैं जिसे हम द कंक्लूजन कह रहे हैं वो आज रात को बारह बजे फिफ्टींथ और तो दिसंबर कल आ, स्ट्रीम करेंगे तो जिन लोगों ने सीरीज़ पसंद की है जिन्हें ये पसंद आई है मैं उन सबसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ ज़रूर देखिए आई नो बीच में कैसा ऐसा तीन महीने का फेज़ था जब लोगों ने कहा था कि भाई ये पाच्स में क्यों है बट मैंने सब दर्शकों से यही कहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए आई कैन गारंट इसमें आपका एक स्पाई का है। जी. और ये पर आधारित है जी. लेकिन इसमें जो आपका किरदार और जिस लड़की को आप बचाने के मिशन पर निकलते हैं उस लड़की के सेवियर बनकर सामने आते हैं लेकिन मैंने जब ये फ्रेंकली स्पीकिंग जब देखा तो मुझे समझ नहीं आया फ्री शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया क्योंकि अक्सर ना जर्नलिज्म में बहुत यूज करते हैं फ्री लांसर कैमरा पर्सन फ्री लांसर जर्नलिस्ट फ्री लांसर, तो आप फ्री लांसर कैसे उसमें वेल well, मैं मोहित भी फ्री लांसर ही हूँ <laughs> मेरा भी बिल्कुल फ्री लांसर वाला काम ही है बट ये जो कहानी है ये एक किताब पे आधारित थी जिसका नाम है टिकेट टू सीरिया जो श्रीश थोरार जी ने लिखी थी इस कहानी में इसका मेंशन द कांटेक्ट करके है सो so, बिकॉज ये उस पर बेस्ड थी उससे प्रेरणा ली थी नीरज पांडे जी ने तो द कांटेक्ट ना रखते हुए ये सब टीम का डिसीजन था कि इसे हमें द फ्री के नाम से इसे हम याद रखेंगे और इसका नाम द फ्री होगा बिकॉज ही इज़ एन एक्सकॉप मेरा किरदार अविनाश कामत का जो एक एक्सकॉप थे उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए जिस वजह से उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जाना पड़ा सो so, वो एक ग्लोबल लेवल पर इस समय सी आई ए के साथ काम करते हैं ही वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशं विद डिफरेंट नेम्स ही डजेंट हैव एनी नेम तो बिकॉज वो एक नाम नहीं है उनके पास सो इस so, इसलिए उनको हर कोई द फ्री लांसर के नाम से संबोधित करता है कितना चैलेंजिंग था ये रोल ये तो मैं नहीं पूछूंगी आप सो, सोच रहे थे कि मैं यही सवाल पूछूंगी नहीं पूछूंगी चैलेंजिंग तो हर रोल होता है और हर कैरेक्टर एक एक्टर के दिल के बेहद करीब होता है और कहता है मुझे सभी पसंद है मैं पूछूंगी आपसे आपको कौन सा अपना किरदार पसंद आप कहेंगे सभी किरदार पसंद है नहीं पूछूंगी मैं मैं ये पूछूंगी आपसे क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टेरेन में ये पूरी आपकी शूट हुई है वो कितना मुश्किल था क्योंकि जब आप अपने थोड़ी लग्जरी से दूर रहते हैं वैन टी वैन इस तरह की चीज़ें आसपास पास नहीं होती हैं खाने में कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए वेल टू भी ऑनेस्ट ये ज्यादा मुश्किल नहीं था हमारे लिए बट uh, ऑब्वियसली कुछ मुश्किलें भी थीं बिकॉज ये कहानी सीरिया पर बेस्ड है बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम बिकॉज ऑफ द रीजन वी के नॉट गो एंड शूट इन सीरिया तो ये हमने मोराको में शूट की थी बट फॉर्चुनेटली मोराको इज अ वेरी शूटिंग फ्रेंडली प्लेस वहाँ के लोग बहुत सालों से uh, शूटिंग से फ्रेंडली है बिकॉज ग्लैडिएटर uh, जो है वो सबसे पहले वहीं पे शूट हुई थी वहीं से उनकी शूटिंग सिलसिला शुरू हुआ था द ओनली ड्रॉबैक जो मुझे पर्सनली लगा वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर था बिकॉज वहां पे काफी लोग यूरोपियन uh, या अरबिक uh, बातें करते हैं uh, भाषा में बात करते हैं सो so, वो थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज था बट आजकल वो भी मोबाइल uh, जो डिवाइस है वो uh, मुश्किल हर कर देता है ट्रांसलेटर यूज करके सो दैट इट वुड जस्ट मेक आर जॉब ईजी बट uh, हाँ वो टेरेन थोड़ा अलग था मौसम अलग था सो आई गेस बट इस इस कहानी की जो डिमांड थी वो वैसा स्केल था वैसी जगह थी अनस्टेडल वैसी जगह या वैसा स्केल उस कहानी को नहीं मिलता उस कहानी को जस्टिस नहीं मिलता और नीरज जी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जब भी किसी आ, कहानी को चूज करते हैं जैसे कि हमने उनकी प्रीवियस जो उनकी कहानियाँ हैं स्पेशल ऑप्स जैसे हमने देखा है सो so, उन्होंने हमेशा कहानियों को उस स्केल पे पहुंचाने की कोशिश की है जहाँ कहानी को जस्टिफिकेशन मिल सके सो आई गेस उन्होंने वही यहाँ पे किया एंड जितना प्यार हमें मिला है इट्स बिन इट्स बिन अमेजिंग आपके लिए बहुत करियर ट्रांजिशन हमने देखे हैं मोहित रैना देवों का देव महादेव कितने लोगों ने देखा है टेलीविजन पर देखिए okay. अब वो किरदार हमेशा शिव जी का जी. उससे लोग एसोसिएट करते हैं आपको जी. इतना हैंडसम शिव भगवान hmm. मुझे माफ करें yeah. <laughs> आज तक किसी ने नहीं देखा होगा टेलीविजन पर अब गर्ल क्रश तो है ही मैन क्रश भी हो गया लोगों को लोग सोचते थे कि भाई ऐसी मोहित रहना जैसी बॉडी हमारी भी हो जाए एंड वो जो आपका किरदार था मोहित आपके लिए एक करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड यू कैन करेक्ट मी और उस किरदार से बाहर निकलना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती था क्योंकि हर कोई अब देवों का देव महादेव उसमें शिव बन गए उसके बाद आपको और भी बहुत सारी जगह से ऑफर आए होंगे शिव बनने के लिए क्योंकि वो एक परसोना बन जाता है उससे बाहर निकलकर अब आप एक डॉक्टर एक स्पाई एक पुलिस वाला एक आर्मी ऑफिसर ये सारे किरदार प्ले कर चुके हैं कितना मुश्किल था वेल well, जो आप कह रहे हैं वो एक, एक, एक लिमिट तक सही है बट आई गेस वो बहुत सालों पहले होता था जब आप कोई मैथोलॉजिकल सीरीज किया करते थे जैसे लॉर्ड कृष्णा की थी या लॉर्ड राम की थी तो आप उसमें फंस जाते थे बिकॉज उन दिनों इतने चैनल्स नहीं होते थे उन दिनों इतने एवेन्यूज़ नहीं थे एक्टर्स के पास और सोशल मीडिया नहीं था बट अभी लास्ट 10-12 साल की टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो टेलीविजन में बहुत चैनल्स हैं और सोशल मीडिया की वजह से लोगों को मालूम है कि हाँ ये एक इंसान है और ये एक भूमिका निभा रहा है हैविंग सेट दैट जो आप कह रही हैं उसकी फॉलोइंग अलग है बट मुझे उस इमेज से निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई इनफैक्ट मेरा ये कॉन्ट्ररी था क्योंकि जैसे मैंने महादेव का शूट ख़त्म किया था जो सबसे तो वो मैंने साढ़े तीन साल तक वो सीरीज़ की थी और मैं उस किरदार की अरुण गोवल के साथ भी यही हुआ था मोहित जब उन्होंने राम का प्ले किया उसके बाद उन्हें अलग कैरेक्टर रोल्स ऑफर नहीं होते थे ज्यादातर रोल्स उसी रिलीजियस कैरेक्टर के इर्द गिर्द होते थे और दूसरा नुकसान ये कि आप जहाँ भी जाते थे लोग ऐसे पैर छूने को उनके आते थे जैसे स्वयं श्री राम प्रकट हो गए वैसे ही आपके साथ भी होता होगा कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए ये, ये गाँव और कस्बों में होता है मोहित अगर आप वहां कभी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपको मोहित रहना कहेगा नहीं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप जब इंटीरियर्स में आप जाते हैं जहाँ पे बिकॉज यू नो इंडिया इंडिया बिलीवर लिव इन फेथ एंड यूनिटी सो आई गेस वी दैट सो so, इंटीरियर्स में जब आप जाते हैं वो डेफ़िनेटली वैसा प्यार और वैसा लोग आपको उसी उसी नाम से जानते हैं और उसमें मुझे कुछ शर्म नहीं है या मैं उससे भागता नहीं मुझे उल्टा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दैट्स द लव दैट इज़ गेटिंग कैरी फॉरवर्ड टू ऑल द वर्क दैट आई हैव डन पोस्ट दैट यू नो बिकॉज महादेव से मुझे पहचान मिली uh, मैंने वो किरदार निभाया तो लोगों ने मुझे उसको उस किरदार को प्यार दिया बट उसका ही वो प्यार मेरे बाकी काम में भी ट्रांसलेट हुआ है मैं आपसे कह रहा था कि जब मैंने महादेव की सीरीज खत्म की तो सबसे पहले मुझे एक टेलर की लव स्टोरी ऑफर हुई थी तो बिकॉज वो मेरा ड्रॉबैक था कि मैं उस लार्जर देन लाइफ और पावरफुल कैरेक्टर के इतना यूज टू हो गया था तो मैंने उनसे कहा था टेलर और मैं मतलब मैं किस एंगल से टेलर लग सकता हूँ बट वेन हाइनसाइड आई थिंक अबाउट इट दैट वॉज माई मचोरिटी टू रियलाइज कि नहीं ये ये मैं नहीं कर पाऊंगा बट उसके बाद मैंने फिर अशोका का एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर किया फिर मैंने इक्के सरफरोश एक सारा घड़ी पे एक सीरीज बेस्ड थी मैंने ईश्वर सिंह सरदार उसका रोल प्ले किया फिर मैंने ओटीटी पे अलग अलग काम किए बट मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितना मुझे प्यार महादेव से 2010 में मिला था देख लीजिए बारह तेरह साल हो चुके हैं लेकिन उस किरदार की और उस प्यार की रिकॉल वैल्यू इतनी है कि सारे हाथ खड़े हो गए जब आपने पूछा वही प्यार जो है वो बाकी चीजों में ट्रांसलेट होके मेरे काम में दिख रहा है सरफरोश का आपने जिक्र किया जी Uh, मैंने देखे हैं उसके कुछ एपिसोड्स और uh, उसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि इतने बड़े बड़े नाम इतने बड़े बड़े उसमें चेहरे थे लेकिन आप आउटशाइन हुए और वो दरअसल आपके लिए एक उपलब्धि इसलिए भी कहा जाएगा कि अगर आप बहुत बड़े बड़े नाम और किरदारों के साथ काम करते हैं और उसमें अपनी पहचान बनाना वो दरअसल एक बहुत बड़ी वो आपको कितना सेटिस्फैक्शन देती है भलेगे well, जैसे मैंने बताया कि आप मैं एक एक्टर हूँ मैं हम हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए ऑडियंस के प्यार के लिए हम भूखे होते हैं लोगों के प्यार के सो आई थिंक जब हम कोई भी काम करते हैं अगर उसे ऑनेस्टी से निभाएं तो ऑडियंस का रेसिप्रोकेशन में हमें प्यार मिलता ही मिलता है और वही प्यार जो है हमें आगे लेके जाता है सो so, मैंने कभी वैसा सोचा नहीं कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ या मेरे साथ कौन है टू बी रियली ऑनेस्ट एंड यू नो मतलब मैं बिल्कुल कभी वैसे नहीं सोचता अभी उससे पहले मनोज जी यहाँ पे थे तो मैंने मनोज जी के साथ भी बहुत काम किया हुआ है मैंने कोंकना के साथ भी मुंबई डायरीज में काम किया हुआ है तो मैंने कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है या मैं सुपीरियर या जू, जूनियर फील कर रहा हूँ आई गेस ये जब एज एन एक्टर आप अपना काम करते हैं तो उसका जो मैसेज होता है वो ऑडियंस तक पहुंच ही जाता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये नहीं पूछूंगी आपका पर्सनल फेवरेट किरदार कौन सा है लेकिन जब आप उरी में वो किरदार प्ले कर रहे थे तो उस किरदार में आपको क्या खासियत नजर आई और क्यों नहीं आपका मन किया कि मैं मेन लीड मेन कैरेक्टर प्ले करूँ जी देखिए उसके दो रीजन है एक यूनिफॉर्म मेरी कमजोरी है मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ तो जब मैं पैदा हुआ था जब मैं छोटा था मैंने आँख खोलते अपने सामने सिर्फ आर्मी और बी एस एफ पर्सनल्स देखे थे सो so, मैंने कभी सुपरमैन बैटमैन उस सब में मेरा रुझान उस तरफ कभी था ही नहीं हम जब क्रिकेट खेलते थे तो बॉल जो है उस पार जाती थी तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी वो हमें बॉल फेंक देती थी वहाँ से सो so, बचपन से मैंने जो यूनिफॉर्म देखी है बचपन से दैट हैज़ बीन वेरी वेरी स्पेशल टू टू मी जब करगिल की वॉर हुई उस समय मैं एनडीए के लिए अप्लाई भी कर रहा था बट अनफॉर्चुनेटली रीजन मैं आ, आर्मी में जा नहीं पाया मैं हमेशा से इंक्लाइंड तो आप एक्टर नहीं होते तो आप आर्मी में होते डेफिनेटली मैं होता

बिल्कुल बिल्कुल मेरा मन नहीं किया और वो ऑब्वियसली वो पहले भी डिसाइड हो चुके थे वो कर रहे हैं तो उन्होंने ऑफर भी मुझे वही किया था बट हैविंग सेड दैट मैं हमेशा से मेरा रुझान जो है वो यूनिफॉर्म की तरफ होता है इसलिए मैंने एक भोकाल भौकालिक सी, सीरीज की थी मैं वो भी यूनिफॉर्म पर बेच थी इसमें भी मुझे थोड़ा यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला मैंने एक सरफरोश भी सिर्फ यूनिफॉर्म की वजह से की थी अभी मेरा दो का मेरा मैनिफेस्टेशन है कि कोई नेवी पर कुछ बनाए ताकि मैं वो यूनिफॉर्म पहन सकूँ

पता चलता है कि मोहित रायना जो है वो इंस्टा पर एग्जिस्ट करते हैं ऐसा क्यों है मोहित वेल आई गेस वो एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है वो जाती नहीं है वो बचपन से ही हमने आई गेस उस तरीके का जीवन बीता है जब इतना सब हमें लाइम uh, लाइट नहीं दिखी थी या वैसा नहीं था सो आई थिंक और मैंने एक्टिंग जो शुरू की थी मैं पहले मॉडलिंग करता था मैंने एक्टिंग शुरू की थी क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं कैमरा के सामने एक्सप्रेस करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है सो so, मेरा सोल रीजन सिर्फ वही था मेरा कैमरा फेस करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कैमरा का जो फुटेज है वो फिल्म में जा रहा है वो ओटीटी में जा रहा है वो शॉर्ट फिल्म में जा रहा है वो टीवी में जा रहा है इर... आजकल की तो नीड है ना मोहित अब आप इंस्टा पे एक्टिव रहेंगे तो और फैन फॉलोइंग बढ़ेगी लोग जानेंगे मोहित की पर्सनल लाइफ बहुत पिक्चर्स भी आती है ना मोहित की एट एटेंट होती है ऐसे किसी पूल में इनका बैक दिखाई देगा और चेहरा ही नहीं दिखेगा पता ही नहीं लगता है कि मोहित रहना है कि नहीं है महीने में एक बार वो मेरा दिन आता है जिस दिन मैं सुबह उठता हूँ कहता हूँ कि आज ये नया मोहित होगा आज मैं पूरे इंस्टा पे आग लगा दूंगा वो एक दिन होता है फिर उसके बाद वो पुराना मोहित फिर वापस आ जाता है

मुझे पर्सनली घर uh, आने का मोटिव मिल गया है मैं जब सुबह उठता हूँ तो अपनी छोटी बच्ची का चेहरा देखता हूँ जब सोता हूँ घर वापस आता हूँ तो उसका फेस देखता हूँ यू नो एंड आई यू हैव अ पार्टनर हुम यू शेयर योर ऑल योर इनसिक्योरिटीज योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ जो भी आपकी दिनचर्या हो आप उनसे शेयर करते हैं सो सैग इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू हैव समन विद यू अंडरस्टैंड्स यू हु लिसन्स टू यू एंड हु नोट्स ऑल द अप्स एंड डाउन ऑफ योर लाइफ एंड एंड हु इज़ देयर सन आपको मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये एक इंसान है जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आपके बच्चे आपके पास है आई थिंक वी ऑल क्रे फॉर लव यू नो एंड फैमिली सेम अप्लाइज टू वी तीन ऐसी बातें मोहित रैना के बारे में जो ऑडियंस पब्लिक जनता नहीं जानती है बिल्कुल हाँ दूर, दूर मतलब एक एक well, तो के, के दिन होते हैं जब कॉलेज में होते हैं हम लोग उस समय फिटनेस के बारे में इतना मालूम नहीं था तब मुझे किसी ने कहा था कि तुम ग्रेसर मिस्टर इंडिया में अप्लाई कर लो तो मैंने ग्रेसर मिस्टर इंडिया में अपने सर क्लोजअप की फोटो भेज दी थी और उन लोगों ने मुझे बुला लिया वो मुझे वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि नहीं यार आपको अच्छा दिखना भी पड़ता है ऊपर यू हैव टू कम्प्लीटली लुक गुड यू नो सो आई गेस वो एक टाइम था जब फिर मैंने समझा कि कैसे रैम्प मॉडलिंग होती है कैसे इस दुनिया में काम होता है यू नो सो आई थिंक उस समय उस फेज़ में आई हैड टू गो बैक एंड वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई गेस इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड जैसे कि आपने पूछा कि कौन सी बात आई गेस शायद लोग ये नहीं जानते कि मैंने बॉम्बे में इनिशियली मुंबई में मैंने सर्वाइव हैंड मॉडलिंग करके किया जब मैं बॉम्बे में नया नया गया था तब अचानक से मुझे रात को एक रात दे, देर रात मुझे किसी का फोन आया कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो स्टूडियो आ जाओ मैंने कहा क्या करना है मैं तो थका हूँ सो कहते नहीं, नहीं नहीं आ जाओ मैंने कहा मुझे रेडी होना पड़ेगा टाइम लगेगा उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए हमें सु तुम्हारे हाथ चाहिए मैंने कहा मेरे हाथ हाथ वो मुझे भी वही लगा दिखाई नहीं अभी तो वो हाथ बहुत ही बेकार हो गए बट आज से पंद्रह अठारह साल पहले वो हाथ थोड़ा देखने में खूबसूरत थे तो मैंने हैंड मॉडलिंग बहुत की जहाँ पे आपको पेन से कभी कुछ लिखना होता है इसको हैंड मॉडलिंग है जी क्रीम लगानी होती है कोई कप उठाना होता है कहीं चाबी यूज करनी होती है यू नो सो आई डिड अ लॉट ऑफ हैंड मॉडलिंग बैक देन Which made me, which also, uh, says that आपने कभी किसी काम को ना नहीं कहा है जी बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी ना नहीं कहा बिल्कुल भी मैंने ना नहीं कहा कुछ भी हो जिसमें चेहरा नहीं भी दिख रहा है वो भी आपने जी हाँ बिल्कुल मुंबई मेरी जर्नी ऐसी थी कि मुझे मुंबई आके पहले मुंबई को समझना पड़ा जब मैंने मैं हुडे मोटर्स इंडिया लिमिटेड में जॉब करता था मैंने अपने घर पर बताया कि मैं ये जॉब छोड़ के मुंबई जा रहा हूँ सेल्स में थे जी मैंने अपने लोगों को बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ आई टोल्ट माई एंड डैड तो और वो दिन ख़त्म हो गया और अगले दिन जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि अरे मेरे अंकल का व्हीकल भी है मेरे मामा जी का व्हीकल भी है मेरे चाचा ताए सब आए हुए हैं so सो वो एक अंदर राउंड टेबल बैठक चल रही थी कि हमारे यहाँ कोई एक लड़का पागल हो गया इसका इलाज करवा लो क्योंकि हमारी फैमिली में दूर दूर तक तो कोई दिल्ली से आगे कभी कि किसी ने क्रॉस नहीं किया था और ये मुंबई जाके इसे एक्टिंग करनी है या इसे उस दुनिया देखनी है सो आई गेस मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है मैंने आई केम टू मुंबई अंडरस्टुंड हाउ एक्टिंग हैपन्स आखिर इस दुनिया में होता क्या है एक्टिंग क्या होती है ऑडिशन क्या होता है स्क्रीन टेस्ट क्या होता है सो आई हैव सीन ऑल द हार्डशिप्स ऑल्सो एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी था दोस्तों ने मेरी कजिन सिस्टर्स ने थोड़ा थोड़ा की भैया हाँ। थोड़ा करोगा थोड़ा। तो उन्होंने मेरी पिक्चर हमने खिंचवा के भिजवा दी थी तो वो जब वहां पर ग्रासिम में एक्सेप्ट हो एक गई वो पिक्चर तब कहीं मुझे लगा कि नहीं यार अब अगर वो वो लोग बुला रहे हैं तो, तो गलत नहीं होंगे। फादर ने मना नहीं किया कि मैं पोर्टफोलियो के लिए पैसे नहीं दूंगा या मुंबई जाने के मेरा लिए दोस्त एक फोटोग्राफर था तो उसने वो वो पोर्टफोलियो भी नहीं था वो उसका एक फोटो स्टूडियो था जो होता है जहाँ पे पासपोर्ट साइज पिक्चर्स खींचती खींची जाती हैं तो वो वो ऐसा एक क्लोजअप ऐसा करके ऐसा यूं देख के ऐसा कुछ कर दिया था सो उसमें हम मुंबई आ गए थे फिजिक बनाने में बहुत समय और बहुत ज़्यादा पसीना भी लगता है लेकिन अगर किसी किरदार के लिए आपको कहा जाए कि आप अपनी फिजिक को चेंज करिए करें, आप करेंगे वो मतलब आप टोन डाउन हो जाइए या पतले हो जाइए ये बाइसेप्स नहीं उसमें वर्क करेंगे एज अ कॉमन कैरेक्टर आपको प्ले करना है आप करेंगे वैसा जी बिल्कुल देखिए मैंने जैसे बताया कि मैंने टेलीविज़न से मेरी शुरुआत हुई तो टेलीविज़न में बिकॉज मैं लॉर्ड शिवा का कैरेक्टर कर रहा था तो उसमें मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा टॉपलेस टाइप वस्त्र ही मिल पाते थे तो आई हैड टू मेंटेन दैट उसके बाद जब ओ का रेवोल्यूशन आया तो ओ में आई हैड टू लुक वेरी नॉर्मल मैंने जी फाइव के लिए काफिर नाम की एक सीरीज की थी जिसमें आई प्लेड अ जर्नलिस्ट तो दिया मिर्जा जी बिल्कुल तो उसके लिए मुझे जर्नलिस्ट जैसा लगना था दिखना था तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा वो चेंज करना पड़ा जर्नलिस्ट जैसे दिखते कैसे मैं लाइक नॉर्मल गए जर्नलिस्ट के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जिम जाए सो आई हैड टू स्टॉप डूइंग दैट ये गलत धारणा है गलत धारणा <laughs> अगर आप जिम जाना चाहें तो आप जा सकते हैं ये सिर्फ आपका कन्विक्शन होता है और आपका मोटिवेशन होता है किसी चीज के लिए वक्त निकालने की तब जरूरत नहीं पड़ती ये मेरा अपना मानना है दैट्स अ लवली थॉट बट मुझे लगा था देखने से हमें हमेशा लगा था कि आप लोग इतने बिजी होते होंगे शायद समय नहीं मिलेगा Yes, ये, ये सही धारणा नहीं है बहरहाल टेलीविजन में सक्सेस मिलना मोहित और ओ पर सक्सेस मिलना कितना फर्क है दोनों में वेल well, बहुत फर्क है आई गेस टेलीविजन इज एंड वॉज समथिंग जो एक हाउस uh, होल्ड को अपील करता है ऑब्वियसली डिजिटल रेवोल्यूशन होने के बाद नाउ इट्स बिकम आल्सो आई मीन अब जाके कहीं वो सेम ही हो चुका है इट्स बिकम वेरी इक्वल बिकॉज नाउ एवरी प्लेटफॉर्म और एवरी चैनल हैज़ देयर ओन प्लेटफॉर्म सब कुछ एक्सेसिबल है एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा है मैं कुछ दिनों पहले एक सिग्नल पे जा रहा था तो अचानक से एक बच्चा वो फूल बेच रहा था सिग्नल पे तो उसने मुझसे कहा कि फूल ले लीजिए और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने कहा रही मैं आपकी सीरीज देख रहा था मैंने कहा वैसे ही बोल रहा हो तुम मत कि मैं फूल ले लूँ

डिलीवरी के पॉइंट uh, पर होती हैं बट यू आर नॉट एबल टू हेल्प हर आप उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं आप दूसरे डॉक्टर्स और इनफैक्ट वो, वो डॉक्टर भी नहीं थे देवर दोज uh, जो औरतें होती हैं जिन्हें दाई माँ कहते हैं वो औरतें आपकी uh, पत्नी की डिलीवरी कराती हैं वो सीन मुझे बहुत टच किया पर्सनली क्योंकि मुझे लगा कि uh, आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसमें आप उस प्रोफेशन में होने के बावजूद आप अपनी आप एकदम असहाय हैं आप अपनी पत्नी के हैं और आपके जो इमोशंस उसमें निकले वो वाकई दिल को छू गए क्या आपका कोई ऐसा सीन पर्सनल फेवरेट है उस सीजन uh, वन या सीजन टू दोनों में क्योंकि मेरा तो ये था तो मैंने बयां किया आपको लेकिन हो सकता है क्योंकि आप डॉक्टर और आपके घर में स्वयं आपके पिता डॉक्टर थे तो उस किरदार को आप किस तरीके से देखते हैं वेल आई गेस टू बी ऑनेस्ट वो सीन मेरा भी बहुत फेवरेट सीन है बिकॉज और वो सीन जो सीन आपने देखा वो सिर्फ वो सीन इतना अच्छा हमारे जो डायरेक्टर निखिल अडवाणी जी हैं उनकी वजह से आया बिकॉज उस सीन में ऐसा होता है जिन लोगों ने देखी है आई I मीन mean, मेरी वाइफ एक रूम में होती है और मुझे जाके उन्हें देखना है सो so, मैं जल्दी से भाग के आया और मैंने जाके उनको रूम में देख लिया तो so, निखिल जी मेरे पास आए उन्होंने कहा कि मोहित देखो तुम्हें मालूम नहीं तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो सो यू डोंट नो वेदर शी इज़ अलाइव और शी इज़ डेड सो आई वॉन्ट यू टू वॉक फ्रॉम दैट स्टेड टू दैट डोर थिंकिंग वेदर योर वाइफ इज़ अलाइव और शी इज़ नॉट बीन एबल टू मेक इट सो so, वो तुम कैसे पोर्ट्रे करोगे वो तुम डिसाइड करो सो देन आई हैड टू कंप्लीटली रीथिंक सीन कि नहीं सर का जो कहना है वो ऐसा बिकॉज मैं ऐसे प्ले कर रहा था कन्विक्शन के साथ कि नहीं मेरी वाइफ अंदर है आई जस्ट नीड टू गो एंड टेक हर टू द हॉस्पिटल बट उन्होंने आके मेरा परसेप्शन पूरा चेंज कर दिया देन दैट वॉक इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इन दैट वॉक ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश कि इस आदमी को पता नहीं है कि इनकी जो धर्मपत्नी अंदर है वो जीवित हैं या नहीं है

एक अच्छी स्क्रिप्ट को भी खराब कर सकते हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड विच स्क्रिप्ट यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ बट आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज जो डायरेक्टर हैं उनका विजन उस स्क्रिप्ट को लेके क्या है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनल चॉइस की आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं आपको डायरेक्टर अच्छे लगते हैं डायरेक्टर आपको आपका मनपसंद खाना भी खिला सकते हैं आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगती है आपको पैसे भी मिल रहे हैं ऑल दीज फैक्टर्स आर सेकेंडरी द मेन एंड द ओनली फोमोस्ट थिंग इज विल दैट does that director have that that capacity or can will he be able to take this script to a different level because आप तो अपना काम कर रहे हैं कई है। बार वोदत होता है ना करियर की शुरुआत में पैसों की भी बहुत जरूरत होती है तब उतना आप डायरेक्टर नहीं, तो नहीं, नहीं 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 तब तो कुछ नहीं वो तो मैं मैं अभी की बात कर रहा हूं अब तो आप एस्टेब्लिश्ड है ना तो अब आप, जी आप ये चॉइसेस कर सकते हैं कि मैं निखिल आडवाणी के साथ काम करूंगा या मैं कोई कोई और नामचीन डायरेक्टर के साथ काम करूंगा ये अब आपकी चॉइस बन गई है

मैं पहुंच गया वहां पे तो तीन दोस्त थे उन्होंने सबको मिलाया एक दूसरे से और फिर मेरा मेकअप शुरू हो गया मेरा मेकअप जब शुरू हुआ तो वहां पे ऐसे ऐसे खरोचे आ गईं थोड़ा ऐसे यहाँ पे दब्बे दाग हो गए और प्रोस्थेटिक हो गया उसके बाद वो मुझे सेट पे ले गए उन्होंने कहा वो बेड देख रहे हो उस बेड के नीचे लेट जाओ मैंने कहा करना क्या आप बताइए कहानी क्या है उन्होंने कहा तीन दोस्त थे एक का मर्डर हो गया दो सॉल्व कर रहे हैं कि किसका मर्डर होना है तो तुम जो हो तुम लाश हो तो तुम वहां लेट जाओ आई गेस आई हैल्सो सो जहाँ ये आपके सवाल का जवाब आप इससे मिल जाएगा शायद कि उस समय तो ऑफिस चॉइस नहीं थी सो यू हैव टू डू एवरी थिंग

Thank you very much.